माय डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स एंड डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वंस अगेन आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे साथियों, पिछले कुछ कक्षा से हम सभी लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति के मानों के बारे में पढ़ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों, और जिसमें हम सभी लोगों ने बड़े ही डिटेल में मीन, मीडियन और मोड के बारे में पढ़ा। उसमें हम लोगों ने इनका डिफिनीशन पढ़ा, मीनिंग पढ़ा कि मीन, मीडियन और मोड कहते किससे हैं, इसका अर्थ क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने ग्रुप्ड डेटा और अनग्रुप्ड डेटा के लिए मीन, मीडियन और मोड की गणना कैसे करेंगे इसके बारे में देखा था। और उसके उपरांत प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोगों ने मीन, मीडियन और मोड सभी का बारी बारी से यह देखा था कि इसकी मेरिट्स क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं और इसकी डीमेरिट्स क्या हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन सब टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आप प्ले लिस्ट में जाकर के आसानी से देख सकते हैं और आप अपने स्टडी को, अपने अध्ययन कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। उसी सीरीज में प्रिय विद्यार्थियों, उसी कड़ी में आज हम सभी लोग एक नए टॉपिक को के बारे में डिस्कस करेंगे। एक नए टॉपिक को लेकर मैं आया हूँ आप सभी लोगों के लिए, दैट इज़ द कंपेरिजन ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड। आज प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम सभी लोग मध्यमान, मध्यांक तथा बहुलांक की तुलना करेंगे प्रिय विद्यार्थियों। और आज की क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जिन बिंदुओं के बारे में हम सभी लोग चर्चा करेंगे प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, उन बिंदुओं से, उन उस पॉइंट से जो है क्वेश्चंस कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे साथियों, आप सभी लोग तैयार हो जाइए आज की क्लास के लिए। आज की क्लास में हम सभी लोग कंपेरिजन ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड, मध्यमान, मध्यांक तथा बहुलांक की तुलना करेंगे प्रिय विद्यार्थियों। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए, आज की कक्षा को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास को स्टार्ट करने के पूर्व, आप सभी प्यारे भाइयों और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों में से और प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड, आप अपने स्टडी मटेरियल से रिलेटेड जो है, आपका जो भी पाठ्यक्रम है उससे रिलेटेड जितने भी वीडियोज हैं, जिनकी आवश्यकता आपको है, जिसमें इंटरेस्ट है आपका, उन सब से रिलेटेड वीडियोज को आप प्ले लिस्ट में जाकर के आसानी से देख पाएं। इसलिए आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करने पर एक बेल का आइकन भी दिखेगा प्रिय विद्यार्थियों, उसके बगल में बना हुआ है, अगर बेल का आइकन रेड है तो उसको प्रेस करिए, और प्रेस करने पर कुछ विकल्प आएंगे, उसमें से आप आल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि जितने भी नए वीडियो जाएंगे उसकी सूचना, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको, उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएंगे, और आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी वीडियोज हैं उसको आप आसानी से देख पाएंगे और आपका एक भी वीडियो मिस नहीं होगा। और प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने सहपाठियों के साथ, जिससे कि वे भी इसका लाभ उठा सकें, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को आप शेयर करिए, और इस वीडियो को आप जो है इस पर आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, कमेंट्स के द्वारा आप अपने बहुमूल्य सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। यदि आपका कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो उसको भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। और साथ ही साथ प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है तो उसको भी दीजिए, हम आपके सुझावों पर अनुपालन करेंगे, और साथ ही साथ जो भी आपके प्रश्न होंगे उनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे, और जो भी आपकी समस्याएँ होंगी उसका समाधान करने का भी प्रयास हम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग जो है बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स भी करिए।
चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम सभी लोग स्टार्ट करते हैं। आज की कक्षा में हम सभी लोग चर्चा करेंगे कि कंपैरिजन ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम सभी लोग पीछे चर्चा कर चुके हैं, आज की क्लास के पूर्व जो पिछली कक्षाएं थी, जो पीछे जो वीडियोज प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं प्रिय विद्यार्थियों, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से रिलेटेड, उसमें हम सभी लोगों ने मध्यमान, मध्यांक तथा बहुलांक, इन तीनों के बारे में बड़े विस्तृत रूप से चर्चा किया था। और हम लोगों ने देखा था कि तीनों जो है मान, मीन, मीडियन और मोड, तीनों का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है प्रिय विद्यार्थियों, जो तीनों का दृष्टिकोण होता है, तीनों का दृष्टिकोण जो है प्राप्तांकों के संबंध में जो स्कोर्स होते हैं उनके संबंध में, इन तीनों का दृष्टिकोण जो है अलग अलग है प्रिय विद्यार्थियों, तीनों का नजरिया अलग अलग है। प्रिय विद्यार्थियों, इसी कारण से जो मीन, मीडियन और मोड का जो मान आता है वो डिफर आता है। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, मध्यमान, मध्यांक तथा बहुलांक तीनों ही तीन भिन्न भिन्न दृष्टियों से प्राप्तांकों के समूह को देखते हैं, और इसी कारण से इनका मान जो होता है, मीन, मीडियन और मोड का मान डिफर करता है, क्योंकि मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक तीनों को जो है स्कोर्स या प्राप्तांकों को देखने का दृष्टि, देखने का नजरिया अलग अलग होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि तीनों का जब मापन हम लोग करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो तीनों जो है अलग अलग नजरिए से स्कोर्स का मापन करते हैं। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, यदि हम लोग मध्यमान की बात करें, मीन की बात करते हैं, तो आप सभी लोगों को अच्छी तरह से याद होगा कि मीन या मध्यमान जो होता है वो क्या करता है, वो प्राप्तांकों के आकार या साइज पर ध्यान देता है। अर्थात मध्यमान के नजरिए से, मीन के नजरिए से जो प्राप्तांक होते हैं, जो स्कोर्स होते हैं, उनका जो है जो साइज होता है, साइज ऑफ स्कोर वह या प्राप्तांक का जो आकार होता है वह महत्वपूर्ण होता है, और उसके आधार पर मध्यमान की गणना की जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम सभी लोग मध्यांक की बात करते हैं, तो मध्यांक में आप सभी लोगों को अच्छी तरह से याद है कि जब हम लोग मध्यांक की बात कर रहे थे, तो मध्यांक में हम सभी लोग जो है ग्रुप डेटा के लिए जो नंबर्स होते थे, जो स्कोर होते थे, उसको हम सभी लोग उसका असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो मध्यांक होता है वो मिड पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ नंबर या प्राप्तांकों के जो क्रम होते हैं प्रिय विद्यार्थियों, उस क्रम के मंद बिंदु पर यह बल देता है। जो नंबर्स होते हैं, जो स्कोर्स होते हैं, जो प्राप्तांक होते हैं, जब उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, उसको एक क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो उसका मिड पॉइंट क्या होगा, उसका मध्य बिंदु क्या होता है, इस पर जो है बल, इस पर जो है ध्यान मध्यांक या मीडियन देता है। और प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, इसी कड़ी में यदि हम लोग बहुलांक की बात करते हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं कि बहुलांक का मतलब क्या है, कि समूह का सबसे अधिक प्रचलित मान कौन सा है। तो समूह का सबसे अधिक प्रचलित मान या मोस्ट फैशनेबल क्या है, तो उसमें जो है यदि प्राप्तांकों की बात किया जाए, स्कोर्स की बात किया जाए, तो उसमें हम लोग देखते थे कि जो बहुलांक के अंतर्गत किस स्कोर या किस प्राप्तांक की पुनरावृत्ति सबसे अधिक है, किसका रिपीटेशन सबसे अधिक है, उस पर जो है बहुलांक के द्वारा ध्यान दिया जाता था। तो इस तरह प्रिय विद्यार्थियों, मध्यमान में क्या है, प्राप्तांकों के आकार पर ध्यान दिया जाता है, मध्यांक में प्राप्तांकों के क्रम और उसके मध्यबिंदु पर ध्यान दिया जाता है, जबकि बहुलांक में प्राप्तांकों के रिपीटेशन या उसकी पुनरावृत्ति पर ध्यान दिया जाता है। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब यह जो मध्यमान, मध्यांक तथा बहुलांक, दैट इज मीन, मीडियन और मोड है, इसके बीच में जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है प्रिय विद्यार्थियों, जो परस्पर संबंध है, मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक का परस्पर संबंध प्राप्तांकों के वितरण की प्रकृति पर निर्भर करता है। अर्थात जो हमारे स्कोर्स हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है प्रिय विद्यार्थियों, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इस पर डिपेंड करता है। प्राप्तांकों का वितरण कैसा है, उस पर निर्भर करता है कि मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक के बीच में म्यूचुअल या परस्पर संबंध क्या होगा। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारा डेटा होता है, जो हमारा समंक होता है, जो हमारे स्कोर्स होते हैं, उसका नेचर क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इस पर निर्भर होता है कि मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक, दैट इज मीन, मीडियन और मोड के बीच में आपस में संबंध कैसा होगा। प्रिय विद्यार्थियों,
यदि मोडलिटी को देखा जाए, बहुलांकता को देखा जाए, तो मोडलिटी या बहुलांकता और उसके साथ साथ जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो हमारे डेटा होते हैं, डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन या विषमता के आधार पर बने विभिन्न प्रकार के वितरणों में केंद्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न मानों का संबंध निम्नलिखित हो सकता है या निम्नानुसार हो सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं मोडलिटी या बहुलांकता की और साथ ही साथ विषमता या स्क्यूनेस की। तो क्या है, जो हमारा डेटा है, जो हमारा संबंध है, उसका वितरण जो है केंद्रीय प्रवृत्ति के, उसका वितरण कैसा है, नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसके वितरण की प्रकृति कैसे है, उसी के आधार पर यह निर्धारित होता है कि जो केंद्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न मान है उसके बीच में संबंध कैसा होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मोडलिटी और विषमता के आधार पर क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, कौन कौन सी परिस्थितियां हो सकती हैं और उन परिस्थितियों में, उन सिचुएशन में व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। तो चलिए दोस्तों, द फर्स्ट सिचुएशन इज ऑन योर स्क्रीन। पहला जो परिस्थिति हो सकता है प्रिय विद्यार्थियों, वह यह है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमारा संबंध है, जो हमारा डेटा है, जो हमारे आंकड़े हैं, वो क्या हो, दे शुड बी सिमेट्रिकल एज वेल एज यूनिमोडल। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब हमारा डेटा सिमेट्रिकल होगा, सममित होगा और साथ ही साथ वह यूनिमोडल हो, एकल बहुलांकी हो, तो ऐसे वितरण के लिए मीन, मीडियन और मोड का मान क्या होगा, समान होगा। प्रिय विद्यार्थियों, वह इक्वल होगा। तो ध्यान देना है कि मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड। मीन, मीडियन और मोड क्या होंगे, इक्वल होंगे, समान होंगे। और कब होंगे प्यारे भाई बहनों, यह तब होंगे जब जो है क्या होगा, हमारा जो नेचर ऑफ डेटा है, जो डेटा है प्यारे भाई बहनों, डेटा क्या होगा, यूनिमोडल होगा और एज वेल एज सिमेट्रिकल होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब सिमेट्रिकल दैट इज सममित और साथ ही साथ सममित के साथ साथ क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, सममित के साथ साथ जब हमारा डेटा जो है क्या होगा, यूनिमोडल होगा, बहुलांक होगा, तब मीन, मीडियन और मोड का मान क्या आएगा, मीन, मीडियन और मोड का मान प्रिय विद्यार्थियों इक्वल आएगा। चलिए इसको हम लोग एक उदाहरण के द्वारा देखने का प्रयास करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, एक एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर आ रहा है और इस एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग जो है इस कंडीशन को और डिटेल में देखने का प्रयास करेंगे। सममित एकल बहुलांक के लिए, सममित एकल बहुलांक के लिए कुछ स्कोर्स या प्राप्तांक आपकी स्क्रीन पर है प्रिय विद्यार्थियों, दैट इज 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7। अब प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, अब हम सभी लोगों को क्या करना है, यह जो स्कोर दिया हुआ है, इस स्कोर के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मीन की गणना करनी है। तो मीन हम सभी लोग जानते हैं क्या करना पड़ेगा, इसको जोड़ दीजिए क्या होगा, इसका एडिशन करिए, 3 + 4 7, 7 + 4 11, 11 + 5 16, 16 + 5 21, 21 + 5 31, 31 + 6 37, 37 + 6 43, और 43 + 7 क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, 49 हो रहा है। कितना होगा, फिर से जोड़ लीजिए, 4, 3, 7, 7, 4, 11, 11, 5, 16, 16, 5, 21, 21, 26, 26, 26, 32, 32, 32, 36, 36, 37, 37, 45 हो रहा है प्रिय विद्यार्थियों। और टोटल नंबर्स कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 से डिवाइड कर दिया जाए तो 9, 5, 45। तो इस तरह प्रिय विद्यार्थियों, जो मीन का मान आ गया, मीन इज इक्वल टू 5, मीन हो गया, मध्यमान हमारा क्या हो गया प्रिय विद्यार्थियों, 5 हो गया, क्योंकि टोटल का जो समेशन है वो क्या है, 45, टोटल नंबर्स 9 है, तो 45 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से मध्यमान कितना आ गया, 5 आ गया। चलिए दोस्तों, हम लोग मध्यांक की गणना करते हैं और मध्यांक के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे चूंकि ये 9 है, 9 स्कोर्स है और ये क्या है, ऑड है, तो ऑड के लिए फार्मूला है n प्लस 1 बाई 2 वर्थ टर्म। और इसके लिए क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, n 9 है तो 9 प्लस 1 बाई 2 अर्थात 10 बाई 2 दैट इज 5th टर्म। और 5th टर्म क्या है प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ देखिए 5th टर्म क्या है, 3, 4, 5, 5th टर्म क्या है, 5 है। तो प्यारे भाई बहनों, जब 5th टर्म 5 है, तो ऐसे कंडीशन में
क्या होगा यहाँ पर मध्यांक जो है 5 हो जाएगा। और यहाँ ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर रिपीटेशन है। रिपीटेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर 5 5 5 जो है यह जो है 3 बार है। और जब जो है इस ऐसे कंडीशन के लिए हम सभी लोग फार्मूले का प्रयोग करेंगे, तो वहाँ पर जो है आप फार्मूले का प्रयोग करने के बाद देखिएगा कि वहाँ पर क्या आएगा, मध्यांक का मान 5 आएगा। इसके लिए फार्मूला आप सभी लोग जान रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, इसके लिए फार्मूला क्या होता है। इसके लिए फार्मूला हमने आपको जब क्लास लिया था उसमें बताया था कि जब रिपीटेशन होगा तो मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस एन बी एंड डिवाइडेड बाई एफ। ये फार्मूला होता है प्रिय विद्यार्थी। इस फार्मूले का प्रयोग करने के बाद जो मध्यांक का मान आएगा वो क्या आएगा, 5 आएगा। और बहुलांक की बात किया जाए तो बहुलांक क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, बहुलांक जो होगा, मध्यांक हमारा आ गया 5 और बहुलांक क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, देखिए 3 1 टाइम्स 4 2 टाइम्स 5 3 टाइम्स 6 जो है 2 टाइम्स, 7 1 टाइम्स है। तो चूंकि 5 जो है 3 टाइम्स है इसलिए हमारा मोड क्या होगा, 5 होगा। तो इस तरह प्रिय विद्यार्थियों मीन का भी मान आ गया, हमारा क्या आया, मीन का मान आया 5, मीडियन का मान आया 5 और मोड का भी मान आया 5। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों मीन, मीडियन और मोड, मध्यमान बराबर है मध्यांक के और मध्यांक बराबर है बहुलांक, दैट इज मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड। ये क्या है, जब हमारा जो डेटा वो क्या है, यूनिमोडल है एज वेल एज सिमेट्रिकल है, सममित और एकल बहुलांक के लिए मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड आता है। तो प्रिय विद्यार्थियों ऐसे कंडीशन में इसका जो है, यदि हम सभी लोग एक कर्व को बनाए, ये जो डेटा हमारे दिया हुआ है इस डेटा के लिए एक कर्व बनाया जाए सममित एकल बहुलांक के लिए प्रिय विद्यार्थियों, तो वह कर्व कुछ इस प्रकार से आएगा। वो आपकी स्क्रीन पर है प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ देखिए ध्यान से कि सममित एकल बहुलांकी के लिए, सममित एकल बहुलांकी वितरण के लिए जो हमारा कर्व आएगा, इसको ध्यान से देखिए क्या है, यूनिमोडल है और सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल से अभिप्राय क्या है कि दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट तरफ देखिए बराबर स्कोर से हैं, ये सिमेट्रिकल है। और इस कंडीशन में ध्यान दीजिए कि मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड है, तीनों का मान समान है, मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड है। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से यह स्पष्ट होता है कि जब हमारा डेटा क्या होगा, जब डेटा का नेचर ऑफ डेटा होगा सिमेट्रिकल एज वेल एज यूनिमोडल, तो ऐसे परिस्थितियों में मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट सिचुएशन, द सेकंड सिचुएशन इज ऑन योर स्क्रीन। दूसरा जो परिस्थिति हो सकता है प्रिय विद्यार्थियों वो यह है कि सिमेट्रिकल एंड बाईमोडल, जो हमारा नेचर ऑफ डेटा है वो क्या है, सममित है, सिमेट्रिकल है और एज वेल एज क्या है, द्विबहुलांकी है, बाईमोडल है। तो सममित और द्विबहुलांकी वितरणों में मध्यमान तथा मध्यांक का मान तो समान होता है। ध्यान दीजिए, मध्यमान और मध्यांक का मान तो समान होता है, दैट इज मीन इक्वल टू मीडियन होता है। परंतु बहुलांक के दो विभिन्न मान होते हैं और जिनमें से एक मध्यमान से कम और दूसरा मध्यमान से अधिक। तो प्रिय विद्यार्थियों जब हमारा डेटा क्या है, बाईमोडल है और सिमेट्रिकल है, ऐसे कंडीशन मीन इक्वल टू मीडियन प्लस, बट जो हमारा मोड है प्रिय विद्यार्थियों, मोड का मान 2 आएगा, एक मोड जो होगा मीन से छोटा होगा और दूसरा मोड क्या होगा, मीन से बड़ा होगा। यह परिस्थिति कब है, जब हमारा नेचर ऑफ डेटा क्या है प्रिय विद्यार्थियों, दैट इज बाई मोडल एज वेल एज सिमेट्रिकल, सममित और द्विबहुलांकी। चलिए दोस्तों इसके लिए हम लोग एक उदाहरण देखते हैं, एक उदाहरण द्वारा इसको और स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो एक एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है प्रिय विद्यार्थियों, और वह एग्जाम्पल है सममित और द्विबहुलांकी का, और इसके स्कोर से प्राप्तांक कुछ इस प्रकार हैं, दैट इज 3 4 4 4 5 6 6 6 एंड 7। तो प्रिय विद्यार्थियों यहां पर यदि हम लोग मध्यमान की गणना करें तो 3 और 4 3 7 7 4 11 11 4 15 15 5 20 20 6 26 26 32 36 38 38 और 7 45, और चूंकि 9 संख्या है तो डिवाइडेड बाय 9, तो 9 5 45। इस तरह से हमारा मध्यमान क्या आ गया प्रिय विद्यार्थियों, 5 आ गया। मध्यांक की बात किया जाए तो मध्यांक क्या होगा प्यारे भाई बहनों, मध्यांक होगा n प्लस 1 बाई 2th टर्म, तो n प्लस 1 क्या हो गया 10th और 5th टर्म, तो 5th टर्म यहाँ पे क्या है 5 है। तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग मध्यांक की गणना कर लेंगे और मध्यांक क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, मध्यांक इज इक्वल टू 5। अब देखिए असली बात आती है, दैट इज द मोड। मोड की बात आती है प्रिय विद्यार्थियों, तो मोड क्या होता है, समूह का सर्वाधिक प्रचलित मान अर्थात जिसकी फ्रिक्वेंसी सर्वाधिक हो। अब ध्यान दीजिए यहाँ 3 की फ्रिक्वेंसी 1 है,
चार की फ्रीक्वेंसी तीन है, पांच की फ्रीक्वेंसी एक है, छह की फ्रीक्वेंसी तीन है और सात की फ्रीक्वेंसी एक है। तो चूंकि यहां फोर की फ्रीक्वेंसी थ्री है, सिक्स की फ्रीक्वेंसी थ्री है, तो यहां पे ऐसे कंडीशन में दो मोड आते हैं, दैट इज फोर एंड सिक्स। और यह क्या है, यह कंडीशन जो है प्रिय विद्यार्थियों बाई मॉडल की कंडीशन है। तो जब जो है बाई मॉडल के कंडीशन में दो बहुलांक आते हैं, यहाँ पे दो बहुलांक आया, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर मध्यमान बराबर मध्यांक है, मीन इज इक्वल टू मीडियन है, परंतु बहुलांक दो मान है, तो जो कि एक मीडियन, एक जो मान है बहुलांक का वो मीन से छोटा है और दूसरा मान क्या है बहुलांक से मीन से बड़ा है। तो मोड का एक मान मीन से बड़ा और दूसरा मान मीन से छोटा होता है ऐसी परिस्थितियों में। प्रिय विद्यार्थियों इसको यदि हम लोग एक कर्व के द्वारा देखना चाहें, वक्र के द्वारा देखना चाहें, तो कुछ इस प्रकार की परिस्थिति बनती है जो कि आपकी स्क्रीन पर है। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, यह स्क्रीन है सममित द्विबहुलांकी वितरण का। तो दोस्तों ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों कि यहाँ पर दो पीक हैं, तो दो पीक हैं अर्थात यह क्या है द्विबहुलांकी है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे इस तरह से बन रहा है प्रिय विद्यार्थियों, तो ये क्या है सममित सिमेट्रिकल डेटा है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ जो सबसे अच्छी ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे ध्यान दीजिए मीन और मीडियन जो है एक ही जगह पर है, अर्थात मीन इज इक्वल टू मीडियन है, परंतु मोड की बात करें तो यहाँ पर मोड दो है, और जो मोड है प्रिय विद्यार्थियों एक मोड जो है मीन और मीडियन से छोटा है, जबकि दूसरा मोड क्या है मीन और मीडियन से बड़ा है। तो प्रिय विद्यार्थियों यह कंडीशन तब है जबकि हमारा नेचर ऑफ डेटा या जो आंकड़े होते हैं, जो प्राप्तांक होते हैं प्रिय विद्यार्थियों क्या होते हैं, वह सममित और द्विबहुलांकी होते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, द थर्ड सिचुएशन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर प्रिय विद्यार्थियों। तीसरा सिचुएशन क्या है, दैट इज पॉजिटिवली स्क्यूड या धनात्मक रूप से विषम वितरण। प्रिय विद्यार्थियों जब पॉजिटिवली स्क्यूड या धनात्मक रूप से विषम वितरण होता है तो ऐसा तब होता है प्रिय विद्यार्थियों जब मध्यमान और मध्यांक का मान तो समान। प्रिय विद्यार्थियों जब क्या होगा, जब जो है पॉजिटिवली स्क्यूड की हम लोग बात करते हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड या धनात्मक रूप से जो है क्या है धनात्मक रूप से विषम है, तो जब धनात्मक रूप से विषम तब होता है प्रिय विद्यार्थियों जब जो है वितरणों में मध्यमान से कम अंक वाले प्राप्तांकों की संख्या अधिक होती है। ध्यान दीजिएगा मध्यमान से कम अंक वाले प्राप्तांकों की संख्या अधिक होती है, अर्थात मध्यमान ए है और इसके नीचे जो स्कोर्स हैं, जो प्राप्तांक हैं, इनकी संख्या क्या है अधिक है, ये क्या है मोर नंबर्स में है। तो प्रिय विद्यार्थियों जब मध्यमान से कम अंक प्राप्त करने वाले प्राप्तांकों की या स्कोर की संख्या अधिक होती है तो उस परिस्थिति को हम लोग पॉजिटिवली स्क्यूड कहते हैं, धनात्मक रूप से विषम कहते हैं। और ऐसे परिस्थिति में प्रिय विद्यार्थियों मध्यमान का मान मध्यांक से अधिक होता है, अर्थात मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, मध्यमान का मान मध्यांक से अधिक होता है और बहुलांक का मान मध्यांक से कम होता है, अर्थात मोड का मान जो है ये कंडीशन आती है। तो प्रिय विद्यार्थियों इस कंडीशन में क्या है आपकी स्क्रीन पर है कि मोड सबसे छोटा है, उससे बड़ा मीडियन और सबसे बड़ा क्या है मध्यमान है। तो प्रिय विद्यार्थियों इसी सिचुएशन को, इसी कंडीशन को हम लोग यदि एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करें तो उदाहरण आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, एक एग्जांपल है प्रिय विद्यार्थियों। एग्जांपल क्या है धनात्मक विषम का, और धनात्मक विषम के लिए जो डेटा आपकी स्क्रीन पर है प्राप्तांक 3 3 4 4 4 5 5 6 7। प्रिय विद्यार्थियों यदि इसका हम सभी लोग क्या निकालें, मध्यमान निकालें, तो मध्यमान आप सभी लोग जानने का आसानी से निकल सकता है 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 4 14 14 + 4 19 19 + 5 24 24 + 5 29 29 + 6 35 35 + 7 क्या हो गया 42। और प्रिय विद्यार्थियों इसको हमें जो है किससे डिवाइड करना है, चूंकि 9 है तो 9 से डिवाइड करना है, तो 9 9 4 36 हो गया प्रिय विद्यार्थियों, और आया कितना 6 9 5 45। प्रिय विद्यार्थियों इसका मान जो लगभग 4.56 आएगा जब इसको सॉल्व हम लोग करेंगे, इसको आप सभी लोग चेक कर लीजिएगा प्यारे भाई बहनों, क्या होगा मध्यमान का मान आएगा 4.56 के आसपास। और इसी तरह जो मध्यांक होगा प्रिय विद्यार्थियों, मध्यांक की भी हम लोग गणना कर लेंगे, जो आपके पास फार्मूला है प्रिय विद्यार्थियों उसके द्वारा जब मध्यांक की गणना करेंगे तो मध्यांक आएगा 4.33 और
मध्यमान आएगा 4.56। बहुलांक की बात किया जाए तो फ्रीक्वेंसी देख लीजिए, 3 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 4 की फ्रीक्वेंसी 3 है, 5 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 6 की 1 है और 7 की 1 है। तो इस ऐसे कंडीशन में मोड क्या हो गया प्रिय विद्यार्थियों, मोड हो गया 4। तो मोड हो गया 4। अब आपकी स्क्रीन पर प्यारे भाई बहनों, मीन का मान है 4.56, मीडियन का मान है 4.33 और मोड का मान है 4। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यह जो डेटा है वो क्या है, पॉजिटिवली स्क्यूड है और ऐसे कंडीशन में मोड सबसे छोटा है, उससे बड़ा मीडियन है और उससे छोटा बड़ा क्या है, मध्यमान है। मध्यमान का मान सबसे बड़ा है, सर्वाधिक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर हम सभी लोगों को ध्यान देना है कि जब हमारा डेटा, जब हमारा आंकड़े जो होंगे वो क्या होंगे, धनात्मक रूप से विषम होंगे, पॉजिटिवली स्क्यूड होंगे, तो ऐसे कंडीशन में मीन मीडियन मोड के बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो ऐसा होगा कि मध्यमान सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा मीडियन और सबसे छोटा मोड होगा। इसको हम लोग दोस्तों एक कर्व के द्वारा देखने का प्रयास करें, तो कर्व आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान दीजिए। धनात्मक रूप से विषम वितरण के लिए ध्यान दीजिए, मोड का मान सर्वाधिक है, उससे छोटा मीडियन है और उससे छोटा मोड है, और ये धनात्मक रूप से विषम है प्रिय विद्यार्थी, ये जो है सिमेट्रिकल नहीं है, एक तरफ अधिक है और दूसरी तरफ कम मान है, तो इसलिए इसको हम लोग धनात्मक रूप से विषम वितरण कह रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो यह धनात्मक रूप से विषम वितरण है, उसके लिए कर्व है जहाँ पर मोड सबसे छोटा है, उससे बड़ा मीडियन और उससे बड़ा मीन है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सिचुएशन आपकी स्क्रीन पर है, दैट इज नेगेटिवली स्क्यूड। प्रिय विद्यार्थियों, जो फोर्थ सिचुएशन है वह सिचुएशन परिस्थिति है जब हमारा नेचर ऑफ डेटा क्या हो, नेगेटिवली स्क्यूड हो, ऋणात्मक रूप से विषम हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, ऋणात्मक रूप से विषम से क्या अभिप्राय है कि जब मध्यमान से अधिक प्राप्त अंकों की संख्या अधिक हो, अर्थात जो हमारा मीन है, मीन से जो अधिक वाले प्राप्तांक है प्रिय विद्यार्थियों, वो जो स्कोर्स हैं इनकी संख्या क्या है, ये मोर है, इनकी संख्या अधिक है। जब मध्यमान से अधिक प्राप्तांक वाले स्कोर्स की, प्राप्तांकों की संख्या अधिक होती है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, ऐसी परिस्थिति में जो हमारा डेटा होता है वो निगेटिवली स्क्यूड होता है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ऐसी परिस्थितियों में मध्यमान का मान मध्यांक से कम होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो है यहां पर मीडियन बड़ा है, मध्यमान छोटा है, और बहुलांक का मान मध्यांक से अधिक होता है। देखिए यहां पर दैट इज मोड इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मीन। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने इसके पूर्व में जो देखा, जो पॉजिटिवली स्क्यूड के लिए जो आपने कंडीशन देखा था, उसका जस्ट अपोजिट कंडीशन यहां पर है कि मीन सबसे छोटा है और मोड सबसे बड़ा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस परिस्थिति को हम लोग एक उदाहरण के द्वारा देखने का भी प्रयास करेंगे। एक उदाहरण आपकी स्क्रीन पर आ रहा है प्रिय विद्यार्थियों, एक एग्जाम्पल आ रहा है जहां पर कुछ डेटा दिए हुए हैं, इस डेटा का मीन जल्दी से निकाल लीजिए। तो ये डेटा हुआ है 3 + 4 = 7, 7 और +5 = 12, 12 + 5 = 17, 17 + 6 = 23, 23 + 6 = 29, 29 + 6 = 35, 35 + 7 = 42 और 49 आ गया। इसको 9 से डिवाइड कर देना है प्रिय विद्यार्थियों, तो 9 से डिवाइड करने पे 9 × 5 = 45, जो भी मान आएगा प्यारे भाई बहनों वो क्या आएगा, लगभग 5.44 आएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से आपकी स्क्रीन पर मध्यमान आ गया 5.44। और यहाँ पर टाइड स्कोर का जो फार्मूला है प्रिय विद्यार्थियों, उसको अप्लाई करेंगे तो मध्यांक का मान आएगा 5.67। और यदि हम लोग बहुलांक की बात करें तो 3 1 बार है, 4 1 बार है, 5 2 बार है, 6 2 बार है, 6 3 बार है प्रिय विद्यार्थियों, 7 2 बार है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे कंडीशन में जो 6 है वो क्या है, बहुलांक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन पर देखिए, बहुलांक है 6, मध्यांक है 5.67 और मध्यमान है 5.44। और यह डेटा क्या है, ऋणात्मक रूप से विषम है, नेगेटिवली स्क्यूड डेटा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मीन सबसे छोटा है, उससे बड़ा मीडियन है और उससे बड़ा क्या है, मोड है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, यह चौथी सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन है जबकि हमारा जो नेचर ऑफ डेटा है, जो आंकड़े हैं, जो समंक है या जो प्राप्तांकों का वितरण है, वह क्या है, ऋणात्मक विषम है, नेगेटिवली स्क्यूड है। और ऐसे कंडीशन में जो मीन मीडियन और मोड के बीच का रिलेशनशिप होता है, वह मीन इज लेसर देन मीडियन और मीन जो मोड इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मीन, दैट इज मीन क्या है, मीन इज लेसर देन मीडियन एंड मीडियन इज लेसर देन मोड। साधारण भाषा में मीन सबसे छोटा और मोड सबसे बड़ा होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये इस परिस्थिति को यदि हम लोग एक कर्व के द्वारा देखने का प्रयास करें, तो कर्व या वक्र आपकी स्क्रीन पर है प्रिय विद्यार्थियों,
देखिए यह वक्र है, यह वक्र कैसा है, यह वक्र ऋणात्मक विषम वितरण का है। यहाँ ध्यान दीजिए कि मीन सबसे पहले, दैट इज मीन सबसे छोटा, उससे बड़ा मीडियन और सबसे बड़ा मोड है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब नेगेटिवली स्क्यूड होता है, ऋणात्मक विषम वितरण होता है डेटा का, तो ऐसे परिस्थितियों में मीन सबसे छोटा होता है और उससे बड़ा मीडियन होता है, उससे बड़ा मोड होता है। तो प्यारे भाई बहनों, इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा कि जब हमारा डेटा है, जो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है, ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक स्क्यूड होगा, ऋणात्मक विषम होगा, नेगेटिवली स्क्यूड, पॉजिटिवली स्क्यूड, या सिमेट्रिकल होगा, बाई मॉडल सिमेट्रिकल या यूनी मॉडल सिमेट्रिकल होगा, ऐसी परिस्थितियों में मीन, मीडियन और मोड के बीच का रिलेशनशिप क्या होगा, इसको आप हमेशा याद रखिएगा प्रिय विद्यार्थी। और यहाँ से प्रश्न आते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक आपके लिए नोट है, नोट करने वाली बात, वो क्या है कि विषम वितरणों में ध्यान रखना चाहिए कि मध्यमान सदैव वितरण के पतले छोर स्क्यूड इंड की ओर होता है, मध्यांक मध्य में होता है तथा घनीभूत वाले छोर अदर इंड पर बहुलांक होता है। प्रिय विद्यार्थियों, यह एक ट्रिक का भी काम करेगा कि विषम वितरण जब होता है तो विषम वितरण के कंडीशन में जो मीन होता है, मध्यमान सदैव वितरण के पतले छोर की तरफ होता है, अर्थात जिधर वितरण कम होता है उधर मध्यमान होता है, मध्यांक हमेशा बीच में होगा, मीडियन हमेशा बीच में होता है, और जहां पे डेंसिटी ऑफ स्कोर अधिक होता है, जहां डेंस डेटा होता है, घनीभूत वाला छोर होता है, वहां पर क्या होगा, मोड होगा। इस चीज को आप ट्रिक के रूप में भी आजमा सकते हैं, याद रख सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो इसको याद रखिएगा और इसको यदि हम लोग कर्व के द्वारा भी इसको देख लें, तो कर्व आपकी स्क्रीन पर है विद्यार्थियों। तो फर्स्ट कर्व जो है वो क्या है, पॉजिटिवली स्क्यूड का। तो ध्यान दीजिए, पॉजिटिवली स्क्यूड में क्या है, शुरुआत में क्या है, फ्रीक्वेंसी अधिक है। तो वहाँ पर देखिए, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी अधिक है, जहाँ पे डेंसिटी अधिक है, वहाँ पे मोड है, बीच में मीडियन है, और जहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है प्रिय विद्यार्थियों, वहाँ पे क्या है, मीन है। तो यह कंडीशन है पॉजिटिवली स्क्यूड की। और इसी तरह यदि हम लोग नेगेटिवली स्क्यूड या ऋणात्मक विषम वितरण को देखा जाए, तो यहाँ भी ध्यान से देखिए कि यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी कम है, वितरण कम है, तो इधर सबसे पहले मीन हो गया, बीच में मीडियन हो गया, यहाँ पर डेंस डेटा है, यहाँ पर क्या है, घनी जो प्राप्तांक है वहाँ उसकी डेंसिटी अधिक है, घनत्व अधिक है, तो वहाँ पर क्या हो गया, मोड हो गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से ध्यान देना है कि मध्यमान सदैव वितरण के पतले छोर की ओर होता है, यहाँ पर या यहाँ पर होता है। प्रिय विद्यार्थियों, मध्यांक मध्य में, तो मध्यांक देखिए दोनों तरफ क्या है, मीड में है, बीच में है, और घनीभूत वाले छोर पर क्या होगा, बहुलांक होगा, जिधर पर फ्रीक्वेंसी अधिक है प्रिय विद्यार्थियों, वहां क्या है, मोड है, आपकी स्क्रीन पर स्पष्ट है। तो प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, यह तो आपके लिए एक ट्रिक रहा। और इस प्रकार से आज की कक्षा में, आज की क्लास में हम सभी लोगों ने मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक में तुलना किया और देखा कि नेचर ऑफ डेटा के आधार पर जो हमारे समंक है, जो हमारे प्राप्तांक है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका जो वितरण है, उसके आधार पर मीन, मीडियन और मोड के बीच में रिलेशनशिप क्या क्या हो सकते हैं, संबंध क्या क्या हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, इसके बारे में आज की क्लास में हम सभी लोगों ने चर्चा किया। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग प्ले लिस्ट में जा करके आप वीडियो को सिलेक्ट करके, चयनित करके देख पाएं। और साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों, यदि बेल का आइकन जो सब्सक्राइब के बगल में घंटी का आकार बना है, वह रेड है, लाल है, तो उसको भी प्रेस करिए। उसको प्रेस करने पे कुछ विकल्प आएंगे, उसमें से आप आल के ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। उससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज आएंगे, उसकी सूचना, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको समय से मिल जाएगी, उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और साथ ही साथ प्यारे भाई और बहनों, इस वीडियो को आप लाइक करिए, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्किल के साथ, अपने शुभचिंतकों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे भी इसका लाभ उठा सकें और साथ साथ उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है, कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो उसको आप कमेंट्स के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके सुझावों का बहुत बहुत स्वागत है, हम आपके सुझावों पर अनुपालन करने का प्रयास करेंगे। और
साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, जो भी आपके प्रश्न होंगे उन प्रश्नों का हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान भी करने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।